पाकिस्तान में कोरोना तेजी से फैलने लगा। 7 अफराद जान की बाजी हार गए। मुतासर अफराद की तादाद 972 हो गई। सिंध में 10 और खैबर पख्तूनख्वा में 6 मरीज सेहतियाब। अटक में कोरोना वायरस के शबे में मियां बीवी समेत 3 अफराद अस्पताल पहुंच गए। मुल्क भर में लॉकडाउन, दुकानें, ट्रांसपोर्ट बंद, किसी को गैर जरूरी बाहर निकलने की इजाजत नहीं। जगह जगह पाक फौज और पुलिस के नाके, डबल सवारी पर पाबंदी, ट्रेन ऑपरेशन भी मुअत्तल। इंटरनेशनल के बाद डोमेस्टिक परवाजें भी मनसूख। कराची में लॉकडाउन का तीसरा रोज, पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी तैयार। रात 8 से सुबह 8 बजे तक बाहर निकलना बंद। मेडिकल, फार्मा प्रोडक्ट्स और अशिया खुरनोश बनाने वाली सनतों को काम करने की इजाजत। राणा सनाउल्ला की आमदन से जायद असासों पर नैब इंक्वायरी में मुमकिना गिरफ्तारी का मामला। कोरोना वायरस खदशात पर आज समाप्त नहीं होगी। अदालत ने नैब से जवाब तलब कर रखा था। पाकिस्तान में कोरोना तेजी से फैलने लगा। 7 अफराद जान की बाजी हार गए। मुतासर अफराद की तादाद 972 हो गई। सिंध में 10 और खैबर पख्तूनख्वा में 6 मरीज सेहतियाब। अटक में कोरोना वायरस के शबे में मियां बीवी समेत 3 अफराद अस्पताल पहुंच गए। मुल्क भर में लॉकडाउन, दुकानें, ट्रांसपोर्ट बंद, किसी को गैर जरूरी बाहर निकलने की इजाजत नहीं। जगह जगह पाक फौज और पुलिस के नाके, डबल सवारी पर पाबंदी, ट्रेन ऑपरेशन भी मुअत्तल। इंटरनेशनल के बाद डोमेस्टिक परवाजें भी मनसूख। कराची में लॉकडाउन का तीसरा रोज, पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी तैयार। रात 8 से सुबह 8 बजे तक बाहर निकलना बंद। मेडिकल, फार्मा प्रोडक्ट्स और अशिया खुरनोश बनाने वाली सनतों को काम करने की इजाजत। राणा सनाउल्ला की आमदन से जायद असासों पर नैब इंक्वायरी में मुमकिना गिरफ्तारी का मामला। कोरोना वायरस खदशात पर आज समाप्त नहीं होगी। अदालत ने नैब से जवाब तलब कर रखा था।